तुर्की ने एक अहम बयान देते हुए आज कहा है कि सीरिया के नेचुरल रिसोर्स पर सिर्फ और सिर्फ सीरियन लोगों का हक है। तुर्की के विदेश मंत्री ने सीरिया के नेचुरल रिसोर्स में विदेशी सरकारों की दखल की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि वे लोग खुलेआम कहते हैं कि वे तेल के लिए हैं। हम एक ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं जो इस बात को छुपा भी नहीं पा रहा है कि वे नेचुरल रिसोर्स पर कब्जा करने के लिए ही सीरिया में आए हैं। जाहिर है कि उन्होंने इशारों इशारों में अमेरिका को ही निशाना बनाया है। तुर्की के विदेश मंत्री मेवलुत चावुसोग्लु ने कहा कि सीरिया के नेचुरल रिसोर्स से पैसा बनाकर ये PKK YPG जैसे आतंकवादी संगठनों को फंड करते हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की अमेरिका के बयानों को करीब से जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने ऑपरेशन पीस स्प्रिंग शुरू किया था क्योंकि हमारा मकसद आतंकवादियों का खात्मा है। वे आगे कहते हैं कि हम अमेरिका की तरह नहीं है जो देश की नेचुरल रिसोर्स के लिए वहाँ हो। उन्होंने कहा कि वे स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं। याद रहे कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उनकी सेना सीरिया के तेल रिजर्व की रक्षा के लिए है, जबकि अमेरिकी सेना ये कहती रहती है कि उनका मकसद दाइश को हराना है। तुर्की के विदेश मंत्री चावुसोग्लु ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि हम इसके खिलाफ हैं। वे कहते हैं कि ये रिजर्व सीरिया के लोगों का है और इसका इस्तेमाल इसी तरह होना चाहिए कि ये सीरिया के लोगों को फायदा पहुंचाए। आपको बता दें कि सीरिया में दाइश के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका ने YPG से दोस्ती की थी और अमेरिका ने उनको कुर्दिस्तान बनाने में मदद करने का लालच दिया था, जिसमें तुर्की के क्षेत्र के बहुत से हिस्से शामिल हैं। इस बात का तुर्की ने पुरजोर विरोध किया था और तुर्की उत्तरी सीरिया में YPG के होने की आलोचना करता रहा है, लेकिन अमेरिका YPG को मिलिट्री ट्रेनिंग भी देता है। इस बात की वजह से तुर्की और अमेरिका में काफी विवाद है। याद रहे कि तुर्की आम कुर्दों के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन YPG PKK कुर्द और दाइश आतंकवादियों के खिलाफ है जो सीरिया में आतंक फैलाते हैं, क्योंकि तुर्की में खुद तकरीबन 1,80,00,000 कुर्द रहते हैं और तकरीबन 3 मिलियन सीरियन शरणार्थी कुर्दों को तुर्की ने अपने यहाँ शरण दिया हुआ है। आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब TV & Life।